वेलकम बेटा टू माय चैनल सो इजी मैथ। माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप वर्ड फॉर 26-23 दा सॉल्व करांगे। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। फॉर आर क्लासेस 6 to 10th। फर्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड नंबर। हेठ लिखे जो केड़ी टांग संख्या है, टांग संख्या केड़ी है, देखो 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईवन नंबर, जिस संख्या केड़ी ये देखो 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर, 5 संख्या, मीनस जेडे किसी ना किसी टेबल ते आउंदे ने, ठीक है, जिते 2 तो ज़्यादा फैक्टर्स ने, वह केड़ी ये 51, ठीक है, क्योंकि बेटा ये 1 दे टे 51 ते भी आ गया, 1 ते भी चला गया, 17 ते भी आ गया और 3 ते भी डिवाइड हो गया, ठीक है, 2 तो ज़्यादा फैक्टर्स ने, तो यह की आ कंपोजिट नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम नंबर, अपार संख्या, मीनस ये 2 ही फैक्टर होन, 2 तो ज़्यादा ना होन, मीनस अपने आप ते जावे, ठीक है, जब 1 ते ओके बेटा 37, क्योंकि ये जा 37 ते जाएगा जब 1 ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्वीन प्राइम, अपार जोड़ा केड़ा नहीं है, देखो 3 ते 5 दोनों प्राइम नंबर्स ने, ठीक है, 11 ते 13 भी, 9 ते 11 नहीं है, क्योंकि 9 दे फैक्टर बेटा 1 ते भी जा रहे हैं, 3 ते भी जा रहे हैं, 9 ते भी जा रहे हैं, बी आऊगा, ठीक है जी। नैक्सट है बेटा फॉर 7th क्लास ली, एक पद वाले व्यंजन कहते हैं, एन एक्सप्रैशन विद ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड, जिसे एक टर्म होंगे बेटा उन्हें की बोलते हैं अपना एक पदी, मोनोनोमियल, जे 2 होन तां 2 पदी बाइनोमियल, 3 होन 3 पदी ट्राइनोमियल, ठीक है जी। अगे है बेटा एक्स का गुणांक दसना आपां ने, कोफिशियंट ऑफ एक्स, मीनस एक्स नू किहदे नाल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स का कोफिशियंट, जिहदे मूहरे क्वेश्चन बेटा 1 पा लांगे, इहदा कोफिशियंट किन्ना आ गया अपने कोल माइनस दे 1। पदां नू जोड़ के डैश बनते हैं, टर्म्स आर एडड टू फॉर्म, बेटा टर्मां नू आपां जोड़दे हाँ तां की बनते ने एक्सप्रैशनस, व्यंजक, जिमें एक टर्म एक्स ले ली, एक मैंने चलो 5xy ले ली, दोनों जोड़ लिया की बन गया एक एक्सप्रैशन, व्यंजक। अगे दसना कि लाइक टर्म्स ने, समान पद जिस वेरिएबल सेम हो, चल सेम हो, जिमें देखो जो एक्स से वाई ने, यह नहीं है समान, ये दोनों एक्स ने, वेरिएबल सेम ने, यह समान पद। नैक्सट देखो एक एक्स वाई एक एक्स, ये भी नहीं है, अगे वाई तो वाई एक्स, ये भी नहीं है। अगर बेटा बीज के अंत तक व्यंजक गिवन ने, वह जोड़ पता करना, सम पता करना, कि 3x प्लस 11 प्लस 2x माइनस 7 का, पहला लाइक टर्म्स इकट्ठिया करो, आ दोनों लाइक टर्म्स ने, 3x प्लस 2x, 11 ते माइनस 7, 11 माइनस 7, 3 ते 2 किन्ने बन गए बेटा 5x, 11 माइनस 7 किन्ने बन गए अपने को 4, तो कि आंसर आ गया अपने को 5x प्लस 4, ठीक है जी। अगे गा अपने को 4th क्लास 8th, आइडेंटिफाई द क्वाडलेटर इन विच आल एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओ चतुर्भुज की पहचान करो जिस सारे कोण भी बराबर होन, ते सन्मुख भुजावां भी बराबर हो, सारे कोण भी बराबर होन, ते सन्मुख भुजावां, देखो एक पैरलोग्राम है एक आयत आ, ठीक है, जिमें आ रैक्टेंगल होगी बेटा दिस वन, ये की पैरलोग्राम समांतर चतुर्भुज, ये जो ऑपोजिट साइड तो देखो दोनों च ही बराबर होंदिया ने, पर बेटा पैरलोग्राम के सारे एंगल नहीं बराबर होंगे, ठीक है, रैक्टेंगल के सारे एंगल की होंगे ने बराबर 90-90 के, तो अपने को आंसर आऊगा तो ऑप्शन ए। नैक्सट है आइडेंटिफाई कोआर्डिनेटर, वो चतुर्भुज पहचान करनी है, आल द साइड्स आर इक्वल, सारिया साइड्स भी बराबर ने, ईच ऑफ द एंगल इज़ 90, तो सारे कोण 90-90 देने बेटा, जो सारे कोण 90 देने, सारे साइड्स इक्वल ने, तो की बनता एक वर्ग स्क्वायर। अगे का आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटर इन विच डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, वो चतुर्भुज दसनी है जिसे विकर्ण एक दूजे समकोण ते समद्विभाजित करते हैं, तो विकर्ण की लंबाई भी की होंगी है बराबर, वो भी बेटा स्केयर च ही होंगे ने, स्केयर च देखो जो डायगनल्स होंगे ने वह भी इक्वल होंगे ने, तो डायगनल्स होंगे ने बेटा एक दूजे 90 के कोण से
घटते भी ने, राइट बाइसैक्टर होंगे ने। ठीक है जी, तो की होगा अपने को स्क्योर। अगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरलोग्राम, पैरलोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स मीन लागवें कोणों का जोड़, जिमें ए नाल बी ले सकते हैं, ठीक है, बी ते सी हो सकता, सी ते डी, डी ते ए हो सकता, लागवें कोणों का जोड़ हमेशा किन्ना होंदा है 180। ठीक है जी, अगे है लेंथ ऑफ डायगनल ऑफ रैक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, वट इज़ द लेंथ ऑफ अदर डायगनल, एक आयत है बेटा, ठीक है, और एक विकरण की लंबाई अपन दिती हुई है डायगनल की 6 सेंटीमीटर, दूसरे विकरण की लंबाई अपन ने कटनी है डायगनल की। बेटा रैक्टेंगल के आयत दोनों डायगनल्स मीनस विकरण बराबर होंगे ने, जे एक 6 सेंटीमीटर आ तो दूजा भी किन्ना होगा 6 सेंटीमीटर। क्लीयर जी। नैक्सट बेटा अपने को तो मैच करने ने अपने को पाई फॉर्मूले ने बेटा, पाई आर एल कि फॉर्मूला है, ये है बेटा अपने को कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोण, शंकु की वक्र सतह का खेत्रफल। ठीक है जी, अगे है अपने को 3πr² ये कि फॉर्मूला आता टोटल सरफेस एरिया ऑफ हैमीस्फीयर का, मीनस ये उपरला सर्कल भी काउंट होंदा πr² तो हेठले का एरिया बेटा 2πr² दोनों ऐड करके कि आज अपने को 3πr² अगे है बेटा अपने को 4πr² ये होंगे अपने को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गोले की सतह का खेत्रफल, πr(l+r) ये होंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण, शंकु की कुल सतह का खेत्रफल, 2πr(h) ये होंगे बेटा अपने को कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलंडर बेलन की सतह का खेत्रफल, वक्र सतह का खेत्रफल। अगे है बेटा अपने को 2πr² ये होंगे लेटर सरफेस एरिया ऑफ हैमीस्फीयर अर्धगोले की पासवीं सतह का खेत्रफल, ये जो उपला जो सर्कल है इनू आप छड़ दें मीनस πr² छड़ दें, बाकी की रहता अपने को 2πr². नैक्सट देखो फोर क्लास 10th, इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ट्री इज डिक्रीजिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो बेटा जिमें कोई ट्री है, ठीक मान लो आ ट्री है, आ हैगी शैडो, परछावां, ठीक है, वो कहना जे शैडो दी लंबाई घट दी जाए ये डिक्रीज हो रही है, मान लो पहला शैडो इत तक सी हुण शैडो इत तक आ गई, ठीक है, जेकर रुख के परछावें की लंबाई घटेगी देखो पहला आ सी फिर परछावें कितने चला गया ए, मान लो आ बी पॉइंट आ ए थे पहला बी पॉइंट सेगा फिर ए ते आ गया, ठीक है, तो दसना बेटा अपने जो उचान कौन आ दिस वन, तो क्लीयर हो गया बेटा डायग्राम, तो देखो दोबारा बना देने आप जी, मान लो कोई ट्री आ, ठीक है, मान लो ए ते बी, मान लो पहला शैडो सीगी यदी ए पॉइंट तक सी फिर ये शैडो कितने घट गई हूँ कितने चली गई, मान लो ये डी पॉइंट ते चली गई, ठीक है, पहला बी ए शैडो सीगी फिर ये बी डी शैडो बन गई, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा दिस वन सीगा फिर ए सीगा, तुहानू आप ही क्लीयर हो जूगा जिमें जिमें शैडो जी डिक्रीज होंगी आ तो एंगल ऑफ एलिवेशन की होंगे इनक्रीज वाधा आ, ठीक है, जे रुख के परछावें लंबाई घटेगी तो चौन कौन की होगा बेटा इनक्रीज वधेगा। नैक्सट हैगा अपने कोल इफ द हाइट ऑफ टावर एंड लेंथ ऑफ शैडो आर इक्वल दैन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, जेकर एक टावर की उचाई और जमीन पर इस दे परछावें की लंबाई बराबर है, देखो ए बी सी, ठीक है, अपने को हाइट ऑफ टावर दिस वन ते लेंथ ऑफ शैडो दिस वन ए बी दोनों कि ने इक्वल ने, ठीक है, मान लो ए भी एक्स है बेटा आ भी कि अपने को एक्स, तो अपने की फाइंड करना था एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, तो सूरज का उचान कौन होगा आ अपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, उस तो बाद देखो बेटा हूँ देखो अपने को परपेंडिकुलर भी हैगा या लंब बेस भी हैगा आधार, तो कि फॉर्म लगावे टैन थीटा का,
टैन थीटा का फॉर्मूला की होंगे अपने को पी बाई बी मीनस लंब वटा आधार दोनों एक्स ने कैंसल आउट हो गए वन किन्ने टैन की कीमत वन होंगी है 45 की यदा मतलब अपने को थीटा कि आजगा 45 डिग्री ठीक है जी। अगला है बेटा अपने को द रेशो ऑफ हाइट ऑफ टावर एंड लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड इज रूट 3:1 द एंगल ऑफ एलीवेशन ऑफ द सन आपने फाइंड आउट करना ये की गिवना बेटा अपने कोई ट्रैंगल आ रेशो ऑफ हाइट ऑफ टावर मीनस ए बी सी आ की अपने को हाइट ऑफ टावर एच जी मान लो आह अपन की गिवन है एक्स गिवन आ मन के चलते आप ठीक है यह है शैडो की लेंथ आप एक्स मान ली हाइट किन्नी अपने को एच दोनों की रेशो गिवन आ मीनस एच बाय एक्स कि गिवन अपने को रूट 3:1 तो अपने एंगल ऑफ एलीवेशन ऑफ सन मीनस आह एंगल अपने फाइंड आउट करना इन्हों पर थीटा नाम दे लैने सेम होती बेटा टैन थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा की फॉर्मूला हूँ पी बाय बी लंब बटा आधार मीनस एच बाय एक्स तो टैन थीटा कि आ गया अपने को एच बाय एक्स कि रूट 3:1 किन्ने टैन की कीमत बेटा स्केयर रूट ऑफ 3 होंगी है टैन 60 की टैन 60 की वैल्यू कहते रूट 3 टैन या टैन बेटा कैलकुएट कर दो तो थीटा तुहाडे कोल किन्ना आजूगा 60 डिग्री तो अपने को आंसर हो बेटा ऑप्शन बी ठीक है जी। नैक्सट हैगा द एंगल ऑफ एलीवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर डायग्राम बना के करते बेटा अपने को मान लो ए बी सी ठीक है जी। ये देखो बेटा एंगल ऑफ एलीवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर ए बी की है मेरे को टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर पॉइंट आप सी ले लिया ठीक है किन्ने मीटर दूर है यह 30 मीटर तो एंगल कि अपने को एंगल ऑफ एलीवेशन कि अपने को 30 डिग्री ठीक है जी। हाइट ऑफ टावर ए बी मीनस एच अपा ने फाइंड आउट करनी है एच की बन गया परपेंडिकुलर लंब बी सी की बन गया बेस आधार सेम होती बेटा टैन थीटा का फॉर्मूला लगा लो की होंगे अपने को पी बाय बी पी कि अपने को एच बेस कि अपने को 30 टैन थीटा कि अपने को 30 डिग्री ठीक है एच बाय 30 टैन 30 की वैल्यू कि 1/√3 इज इक्वल टू एच बाय 30 इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा तो अपने को एच की वैल्यू आ जाएगी एच √3 इज इक्वल टू 30 तो बेटा एच कि आ गया √30/√3 इन पर रैशलाइज कर देंगे √3 ना उपर √3 ना नीचे मल्टीप्लाई करो ये बन जूगा 30√3 √3 × 3 ये कैंसल आउट हो गया 10 तो कि आ गया अपने को 10√3 मीटर ठीक है जी। केड़ी ऑप्शन आऊगी देखो बी ऑप्शन दिस वन अगे का ए लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड कोई लैडर है बेटा पौड़ी आ ठीक है ग्राउंड के नाल 60 डिग्री का एंगल बनाती है ठीक है जमीन आ साइड का कोण बनाती है वैन प्लेस्ड अलोंग ए वाल जो कंध तो रखा जाता है कंध के नाल लगाया जाता है इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल जिहड़ा फुट आ लैडर का वह ग्राउंड जिहड़ा अपने को वॉल आ ठीक है कंध आ बेटा वो पैर तो किन्नी मीटर दूरी पर आ 8 मीटर दूरी पर आ पौड़ी की लंबाई अपने कढ़नी आ ए बी सी मीनस लेंथ ऑफ लैडर इन आप एल का नाम दे लैने ठीक है एल अपने फाइंड आउट करनी है देखो बेटा आ की अपने को बेस आधार एल की अपने को हाइपोटेन्यूज करण मतलब बी तो एच बेस से करण मीनस हाइपोटेन्यूज रिलेशन की होंगी है कॉस थीटा तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगावेंगे आप बी बाय एच ठीक है आधार बटा करण कॉस ऑफ थीटा थीटा कि अपने को 60 डिग्री बेस कि अपने को 8 एच कि लती है अपने एल जो हाइपोटेन्यूज आ कॉस 60 की वैल्यू किन्नी होंगे बेटा स्केयर कॉस 60 होंगे अपने को 1/2 ठीक है कॉस 60 की कीमत किन्नी होंगे 1/2 8/L इन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एल की वैल्यू किन्नी आ जूगी 8 × 2 16 मीटर तो कि आंसर आ गया अपने को ऑप्शन सी
क्लियर जी? थैंक्स बेटा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी लाइक शुरू कर देना। थैंक्स बेटा जी।